शुरू हो चुकी है। प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन उसी चर्चा को लेकर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। चुनाव में सुरक्षा प्रबंधन के मामलों पर दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इसी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है, लेकिन अब समीक्षा करने के बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। उनकी संख्या 1346 है और विशेष प्रयास किया है अपने पूरे समावेशी, यानी जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनकी संख्या 4.85 है और हमारे जो बुजुर्ग मतदाता हैं 80 साल से ऊपर उनकी संख्या भी 7.1 लाख से। ये स्लाइड भी आपके साथ में हम शेयर कर लेंगे ताकि आप डाटा को अगर यूज करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। आपको खुशी होगी जान के कि 100 वर्ष से ऊपर राज्य में 6180 मतदाता। दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स वेरी हेल्दी ऑफ दी सोसाइटी जहां हमारे बुजुर्ग 80 से ऊपर और 100 से ऊपर जहां हैं और हमारे इस त्यौहार में भाग लेते हैं। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड वेरी एनकरेजिंग पॉइंट, फर्स्ट टाइम वोटर्स, यूथ वोटर्स 18 से 19 कोहार्ट में 19 साल में इनकी संख्या 18.86 लाख है। तो अगर आप इस पूरी स्लाइड पे नजर डालेंगे तो एक मोजेक देखें तो इलेक्टर रोल में 18 से 19 साल ट्रांसजेंडर्स, 80 साल से प्लस वुमेन, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, मेल फीमेल सबकी एक अनोखी छटा है, सबका एक समावेशी स्वरूप है। अगर इसी प्रकार से ये जो लिस्ट है जो अभी SSR का काम चल रहा है राज्य में, ये लिस्ट का पब्लिकेशन किया जा चुका है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसकी कॉपी भी दी जा चुकी है। उनके पास में अभी भी मौका है कि अगर कोई भी नाम छूट गया है या कोई भी नाम के बारे में आपत्ति करना चाहते हैं तो अभी भी लोग कर सकते हैं। फाइनल पब्लिकेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रल रोल वुड हैपन ऑन 5th of October। इसमें जो फॉर्म भरने की समय सीमा है वो अभी हमने 11th September तक बढ़ा दी थी, 31 अगस्त थी, तो ये सोचकर कि कुछ लोग अगर नाम ना दे पाए तो लेट अस गिव देम मोर टाइम। तो अभी भी किसी के पास कोई नाम जुड़वाना है तो अभी जुड़वा सकते हैं। और इसी क्रम में जो एक प्रश्न पहले था कि एक परिवार का नाम एक ही जगह में रहे, जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है तो लोग अपने अपने नाम परिवार के चेक कर सकते हैं और अगर कहीं कोई नाम एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो उसके लिए रिलेवेंट फॉर्म भर के उसको ठीक करा सकते हैं। 4 अक्टूबर को फाइनल पब्लिकेशन होगा और उसकी कॉपीज भी सबको दी जाएगी। ई रोल का जो त्रुटि रहित हो इसके लिए बहुत स्पेशल फोकस है हमारा, जिसमें डिलीशंस या एडिशंस, डिलीशंस तभी होंगे जब फॉर्म 7 उपलब्ध होगा। डेथ के केसेस में डेथ सर्टिफिकेट पर ही होगा, कोई भी स्वमोटो डिलीशन नहीं करेंगे। ये सबको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ताकि डिलीशन और एडिशन की कोई भी शिकायत ना आए। 10% ऑफ डिलीशंस जो भी होंगे उनको चेक करने के लिए फील्ड विजिट में स्पेसिफिकली जोर दिया गया है, बता दिया गया है कल सबको। और जितने भी ओवरऑल डिलीशन फाइनली होके आएंगे उसके 2% को ERO's और AROs अपने से पर्सनली चेक करेंगे। सो इवन डेथ के जो डिलीशंस हैं उनके खाली पेपर पे नहीं, उनकी भी जानकारी लेंगे। सो व्हाट वी वांट एसेंशियली टू डू, इसमें मैं लास्ट आपको ये बताऊं कि इलेक्ट्रल रोल की पूरी कॉपी सबके पास उपलब्ध है, BLOs हर सेंटर पे मौजूद हैं, BLAs उनके साथ में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा पब्लिसाइज हमारे लिए करें और आपके माध्यम से कि जिस किसी को वोटर लिस्ट में कोई भी शिकायत है, नाम जुड़वाना है, वो अभी समय है, दे कैन कम एंड इफ देर इज ए कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स विल रिस्पॉन्ड टू दैट कंप्लेंट आफ्टर टेकिंग द एक्शन। अब यूथ के बारे में एक आपको बताना चाहता हूं, 230 ACs में 230 AEROs हमने लगाए हैं एक्स्ट्रा,
जो सिर्फ यूथ पर देख रहा है। कंट्री के सामने आज दो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के कंसर्न्स हैं, वन इज अर्बन अपैथी एंड द सेकंड इज यूथ अपैथी, और ऐसे ग्रुप्स जो थोड़े डिसएडवांटेज हैं उनको आगे लाना। सो 18.86 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैव बीन एनरोल्ड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, दिस इज ए गुड नंबर। और एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग आपके माध्यम से फिर बताना चाहते हैं हम लोग, एक अमेंडमेंट हमने लास्ट ईयर किया था एक्ट में, फर्स्ट जनवरी ऑफ द एवरी ईयर को जो वोटर्स 18 साल के होते थे उनको वोट की सुविधा मिलती थी। तो अगर किसी की बर्थ 2 जनवरी की है तो उसको फिर एक साल वेट करना पड़ता था नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी तक 18 साल होने का। इसको चेंज करके हर क्वार्टर में फर्स्ट को, फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर में अर्हता फिक्स कर दी गई, और जिसके कारण से 4.73 लाख यूथ इन मध्य प्रदेश आउट ऑफ 18 लाख आर सच जिनको पहली बार वोट करने का मौका मिलेगा। अगर ये अमेंडमेंट ना किया होता तो ये 4.73 जो हमारे यंग वोटर्स हैं ये अगले साल 24 में चले जाते। सो दे विल बी प्राउड वोटर्स, यंग वोटर्स ऑफ द मध्य प्रदेश, एंड उनके लिए सभी कॉलेजेस में, क्योंकि डेमोक्रेसी में उनका भागीदारी अभी से बहुत सख्त जरूरी है, इसलिए सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में लगातार ELCs के माध्यम से वर्क चल रहा है ताकि वो मोटिवेट होके वोट देने आए। नाउ कमिंग टू द फोकस ऑन द वीमेन, आप देखेंगे कि हमने करीब 108 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां हमारा रेशियो 936 से कम, तो हमने फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ऐसे 6920 पोलिंग स्टेशंस को चिन्हित किया है।